और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें, जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर एफआईआर को सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गलत बताया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि चुनिंदा पत्रकारों को निशाना बनाना गलत है और ये एक चिंता का विषय है। पत्रकारों को चुन चुन कर निशाना बनाने वाले लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, ये प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है। पत्रकारों पर कार्रवाई करके प्रेस की आजादी प्रतिबंधित नहीं की जानी चाहिए, ये भी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर केरल में दर्ज की गई है एफआईआर। और उसके बाद अब इस वक्त की सबसे अहम खबर इस पूरे मामले में आ रही है, जब सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कड़े शब्दों में कहा है कि इस तरीके से चुन चुनकर पत्रकारों को चिन्हित करना प्रेस की आजादी में कहीं ना कहीं खलल डालने का काम कर रहा है। जी न्यूज के एडिटर के खिलाफ जिस तरह से एफआईआर केरल में दर्ज हुआ है कश्मीर के मसले को लेकर, ऐसा मुझे एक चिंता का विषय लगता है कि चुनिंदा पत्रकारों को चुन चुनकर उनके खिलाफ देश के अन्य अन्य भागों में एफआईआर लगाना ये अच्छी चीज नहीं है। जो भी कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और अपने शो पर वापस लौटते हैं। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।